हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़के से प्यार करने से पहले लड़की उनके किन बॉडी पार्ट्स को सबसे ज़्यादा देखती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जिस तरह से लड़के किसी लड़की को पसंद करने से पहले उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक ऐसे ही कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो किसी लड़के से प्यार करने से पहले उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को सबसे ज़्यादा देखती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। और अगर कोई लड़की आपके इन अंगों को बार बार देख रही है तो आप इसे ये भी समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बॉडी पार्ट है वह है लड़कों की लिप्स। जी हाँ दोस्तों, देखो मोस्टली लड़कियों को लड़कों के लिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और इस वजह से वो लड़कों के लिप्स को सबसे ज़्यादा नोटिस करती हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, जब कोई किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसके ख्याल जो हैं उनके दिमाग में चलने लगते हैं, जैसे कि उनके साथ में फ़र्स्ट डेट पर जाना, ठीक है, या फिर फर्स्ट किस करना, ठीक है, उस मोमेंट को इंजॉय करना, ये सारी बातें माइंड में चलने लगती हैं। और इसी वजह से मोस्टली लड़कियों को लड़कों के इस बॉडी पार्ट्स को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उन चीज़ों को देखकर या उस बॉडी पार्ट को देखकर वो सारी बातें एक तरह से अपने माइंड में इमेजिन करती हैं कि जब रिलेशनशिप होगा तो उनका पार्टनर उन्हें किस करेगा तो क्या होगा, कैसा लगेगा, ये सारी बातें वो फील करने लगती हैं और इसी वजह से उनके लिप्स को देखना वो ज़्यादा पसंद करने लगती हैं। इसके अलावा दूसरा जो बॉडी पार्ट है लड़कों की, कमर। दोस्तों देखो, जिस तरह से लड़कियों की पतली कमर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक ऐसे ही कुछ लड़कियों को भी लड़कों की पतली कमर काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि पतली कमर होने से उनकी शेप में जो वी लाइन बनती है वो लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। इससे लड़की की ओवरऑल पर्सनैलिटी निखरती है। दूसरा, उनका पेट बाहर नहीं रहता है, जिस वजह से लड़की जो है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और इसी वजह से लड़कियों को लड़कों की कमर को देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगते हैं। इसके अलावा अगला जो बॉडी पार्ट है वो है लड़कों की आईज। जी हाँ दोस्तों देखो, आँखों से अक्सर लड़कियाँ जो है अपने प्यार का इजहार करती हैं, ठीक है, बिना बताए वो चाहती हैं कि लड़का उनकी आँखों में देख कर समझ जाए। और इसी वजह से लड़की जब किसी लड़के की आँख को बार बार देखती है तो वो उसे ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो उन्हें पसंद करने लगी है, ठीक है, एक तरह से प्यार का इजहार करने का आई जो है बहुत अच्छा तरीका होता है। एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, और इसीलिए जिस लड़के से वो प्यार करती हैं उसके इस बॉडी पार्ट्स को देखना उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि उसका जो पार्टनर है और जो उसका क्रश है उसको देखकर समझ सके कि वो उन्हें पसंद करने लगी है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो बॉडी पार्ट है वो है लड़कों की चौड़ी छाती। जी हाँ दोस्तों देखो, मोस्टली लड़कियों को लड़कों की चौड़ी छाती काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, चेस्ट अगर आपकी अच्छी खासी है तो एक तरह से लड़की आपको ब्रेफ भी समझती है कि आपके साथ में रहकर वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगी, उसे किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न है कि जब वो उसे हग करेगी या जब वो अपने पार्टनर को हग करेगी तो एक तरह से प्रॉपर हग होगा, ठीक है, टाइट हग मोस्टली लड़कियों को पसंद आता है और इसी वजह से लड़की जो है लड़कों की चेस्ट को देखना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है जो लड़कियों को देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वह है लड़कों के नेक। जी हाँ दोस्तों देखो, कहते हैं कि लड़कियों का ये बॉडी पार्ट यानी कि गर्दन बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर उनका पार्टनर उन्हें इस जगह पर एक तरह से किस करेगा या हग करेगा या टच करेगा तो बहुत जल्दी उनका मूड बदलने लगता है, और इसी सोच की वजह से वो किसी लड़के को देखते समय उसके इस बॉडी पार्ट्स को देखना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चलता है कि उसका भी ये जो बॉडी पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।